मैं निकाल रही हूँ बर्मी कंपोस्ट खाद मैं यहाँ पर गड्ढा बना के अपने किचन के जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको इस गड्ढे में डाल देती हूँ तो इसी तरह मैंने दो गड्ढे बनाए हैं एक को मैं विंटर में निकालती हूँ और एक को मैं समर के टाइम में निकालती हूँ इस बार चूहों ने इस गड्ढे पर हमला कर दिया है इतनी अच्छी खाद नहीं निकली है लेकिन मिट्टी बहुत सॉफ़्ट है मैं इस मिट्टी को छान रही हूँ और अलग करके इस तरह ढेरी लगा दूंगी उसके बाद जितने भी मेरे प्लांट हैं उन गमलों पर मुझे इसको डालना है और जो नए प्लांट्स मुझे लगाने हैं उसके लिए इसी मिट्टी का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और नमी भी इसमें अभी बनी हुई है तो ये देखिए कितना अच्छा मेरा खाद ये निकला है इसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी गड्ढा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये जगह है अब भरने वाली यहाँ पर बन रहा है एक और नया घर तो मैं इस बार ये मेरा लास्ट खाद होगा इसके बाद जहाँ भी मैं खाद को बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मेरे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे इन खादों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में तो मैं खाद को लेकर आई हूं छत में मेरे थोड़े गमले इधर रखे हुए हैं इनकी सफाई मुझे करनी होगी ये देखिए है, मेरा हैंगिंग पॉट जो मैंने पिछले साल बनाया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था इसमें बहुत अच्छी तरह से मनी प्लांट ग्रो हो रहे हैं इन पर भी मुझे ये खाद डालनी है तो उससे पहले मैंने ये जितने भी मेरे कचड़े थे गमले में उन्हें निकाल दिया है और ऊपर टंगे हुए गमलों को सबको मैं नीचे कर दूँगी ताकि सफाई अच्छी से हो सके और इनका कचरा मैं बाहर निकाल कर इस पर अच्छी तरह से खाद को डाल दूंगी खाद डालने से पहले मैं सभी गमलों में से कचरा निकाल के अच्छी तरह से गुड़ाई कर दूंगी मैंने सारे पॉट्स को एक जगह में रख दिए हैं और उनकी सफाई भी मैंने कर दी है गोड़ाई और खाद डालने के बाद जितने भी गमले मैंने ऊपर से नीचे उतारे थे उन सबको मैं हैंग कर दूंगी और ऊपर लगे हुए गमलों पर भी हम लोग खाद डाल रहे हैं टिनटिन भी पढ़ाई छोड़कर अपने इस काम में हाथ बटाने के लिए आ गई है इसके अलावा विंटर सीजन के जितने भी फ्लावर होते हैं उनको ग्रो करने के लिए मैं इसी खाद का यूज करती हूँ तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिए हंसते रहिए मुस्कराते रहिए और ढेर सारा खुशियाँ बांटते रहिए